तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसे गोरे लड़के किसी भी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, वैसे ही सांवले लड़के और जिनका कलर डार्क होता है वो भी किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। बस ये चार तरीके पता होने चाहिए जो वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो कौन से वो चार तरीके, जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों पहला तरीका है, अपने एरिया से बाहर की लड़की को आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करो। भाई अगर आपका कलर सांवला है या आपका कलर थोड़ा सा डार्क है तो आपको आपके एरिया में गर्लफ्रेंड बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप ट्राई मारते हो ना, आप अपने एरिया से थोड़ा बाहर मारो। वहाँ आपके लिए चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि आपके एरिया में आपकी इमेज थोड़ी सी बिलो एवरेज हो गई होती है। तो अगर आप अपने एरिया से बाहर लड़की को ट्राई मारते हो तो आपके लिए गर्लफ्रेंड बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए भाई आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, जिसको आप ट्राई मार रहे हो वो लड़की आपके एरिया से थोड़ी सी बाहर की हो। दोस्तों दूसरा टिप्स है, योर बियर्ड, योर हेयर कट, योर शूज, योर बॉडी स्प्रे। दोस्तों मैंने बहुत से डार्क बॉयज़ को देखा है जिनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा होता है लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ में मार खा जाते हैं, जैसे उनका हेयर कट, उनके शूज़, उनके बियर्ड्स, उनका बॉडी स्प्रे। तो सबसे पहले तो आप अपना बियर्ड्स देख लेना, और अगर आपकी बियर्ड सेट नहीं है तो उसे भी सेट करवा लेना। और कोशिश करना आप अपना एक अच्छा सा हेयर कट रखो, किसी भी अच्छे सैलून से हेयर कट करवा लेना। और आपके शूज़ भी देख लेना, ज़्यादा भड़काऊ कलर के ना हो, शूज़ साफ़ और अच्छे होने चाहिए। कोई अच्छे से बॉडी स्प्रे ले लेना जिसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी हो, और अगर आपका बजट अच्छा हो तो महंगा सा डियो भी ले लेना, नहीं तो कोई भी चीप एंड वेस्ट वाला डियो ले लेना। भाई ये चार चीज़ें तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तीसरा तरीका है, टाइम एक्सपेंड विद गर्ल्स ऑन। दोस्तों अगर आप स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन वगैरह कहीं भी जाते हो तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लड़कियों के ग्रुप से थोड़ा सा टच में रहो, लड़कियों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। और अगर लड़कियों की आपकी मौजूदगी का एहसास हो गया तो दूसरी टिप्स में जो मैंने आपको चार चीज़ें बताई थी, योर बियर्ड, योर हेयर, योर शूज़ एंड योर बॉडी स्प्रे, ये चार चीज़ें आपकी यहाँ काम आ जाएगी। तो भाई ये चार चीज़ें आप ज़रूर कर लेना। और जो तीसरी टिप्स मैंने आपको बताई थी, टाइम एक्सपेंड विद गर्ल्स ऑन, तो आप लड़कियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन कहीं भी हो। भाई चौथी टिप्स है, डोंट वेट। भाई मैंने बहुत सारे सांवले और डार्क कलर के लड़कों को देखा है, वो लड़की से बात ही नहीं कर पाते, वो उनसे बात करने में शर्माते हैं, जब अप्रोच करने की बारी आती है ना तो वो पीछे हट जाते हैं और अपने दोस्तों को बोलते हैं कि यार तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो तू उससे बोलियो, उसकी अगर कोई फ्रेंड है उससे वो मेरी बात करवा दे, मेरी सेटिंग करवा दे। तो दोस्तों इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी लड़की ऐसे ही नहीं पड़ जाती। और कोई गलती से एक आध पड़ भी जाए ना तो उसे मत गिनना भाई। अगर आप लड़की से बात ही नहीं करोगे ना भाई, उसको अगर आप अप्रोच ही नहीं करोगे तो उसको कोई और ही उड़ा ले जाएगा और आप बस देखते ही रह जाओगे। तो आप अपने अंदर में हिम्मत लाओ और जाकर उससे डायरेक्टली बात करो, उसके आँखों में आँखें डालकर देखो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको ना ही बोल देगी और क्या बोलेगी, लेकिन इससे आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ सीखने को तो मिलेगा कि आपको आगे उससे कैसे बात करना है, कैसे उसे अप्रोच करना है। तो दोस्तों अगर आप ये चारों तरीके अपनाते हो ना तो आपको 99% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप सभी से हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।